परमेश्वर के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से मिलने में मैं बहुत खुश हूं। हाँ मेरा प्रियो, इन दिनों में पूरा भारत और पूरा दुनिया के हर एक देश के लोग ये कोरोना वायरस के वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं। हम भी बहुत परेशान हो गए हैं। हाँ मेरा प्रियो, आत्मिक तौर पे और शारीरिक तौर पे दोनों जीवन में हम निराशा में। शारीरिक तौर पे हमें हमारे भारत देश में भी हमारे नेता लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स बहुत मेहनत करके देख लिए हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। और आत्मिक तौर पे हम सब बहुत पास्टर्स, बहुत प्रभु के दास लोग, विश्वासी लोग दिन और रात घंटों घंटों बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। लगभग 45 दिनों से प्रार्थनाएं किया जा रहा है। लगभग 4 महीने से पूरा दुनिया के लोग इस कोरोना वायरस के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन उसका असर बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, उसका असर बढ़ते जा रहा है। हाँ मेरा प्रियो, इसलिए इन दिनों में इसके वजह से हम सब हमारे जीवन में परेशान है। हमारे जीवन में हम बहुत दुखित हैं। कब इस समस्याओं से, इस महामारी से हमें छुटकारा मिलेगा? हाँ मेरे प्रियो, हर एक देशवासी बहुत थक चुके हैं, लेकिन आज परमेश्वर क्या कहना चाहता है? नीति वचन उसका 23वां अध्याय उसका 18वां आयत में परमेश्वर कहता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आप लोगों में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आज परमेश्वर आपको देखकर कहना चाहता है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को आदर करने वाला परमेश्वर है। हमारे विश्वास को आदर करने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, जब हमारे भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होता है, तो परमेश्वर कभी हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कभी हमें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारे विश्वास को आदर करता है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, तेरी आशा ना टूटेगी, तेरी आशा ना टूटेगी, अंत में फल होगा। हां मेरे प्रियो, इतने दिनों से हम लोग जो प्रार्थनाएं किया जा रहा है, हम लोग जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनता है। जरूर हमें अंत में फल होगा, जरूर हमारे हम सबके प्रार्थनाओं के लिए जवाब होगा, जरूर हमारी आशा नहीं टूटेगी। हम मेरा प्रियो, इस अध्याय में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, कब हमारी आशा नहीं टूटेगी? 17वां पद में जब हम देखते हैं, वचन में इस प्रकार लिखा, मैं आप लोगों के पढ़ना चाहता हूं, तू पापियों के विषय मन में डाह ना करना, फिर दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। पापियों के विषय मन में डाह ना करना। मेरे प्रियो, जब हम इस दुनिया में देखते हैं, ये दुनिया जो है पाप से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है। इन दिनों में बहुत लोगों को जब हम देखते हैं, उनके जीवन में बिल्कुल परमेश्वर के प्रति डर है ही नहीं। बहुत लोगों के जीवन में बिल्कुल परमेश्वर के प्रति डर है ही नहीं। हर कोई अपने अपने मन मर्जी से चल रहे हैं, हर कोई अपने अपने मन मर्जी के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इन दिनों में शॉर्टकट में आगे बढ़ रहे हैं, शॉर्टकट। हाँ मेरे प्रियो, जब ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं, हमारे मन में इस प्रकार विचार आती है,
ये जो बंदा ये तो शॉर्टकट में चलने वाला है, ये तो शॉर्टकट में कमाई करता है, देखो इनका जीवन तो अच्छा है, देखो ये तो अपने जीवन में अच्छा मजा ले रहा है, अच्छा अनुभव कर रहा है। लेकिन हम देखो, हम परमेश्वर से भय मानने वाले हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के लिए कोशिश करते हैं, हम बहुत सीधे चलने के लिए, सीधे मार्ग में चलने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में बार बार परेशानियां हो रही है, बार बार हमारे जीवन में तकलीफें हो रही है, बीमारियां आ रही है। क्या परमेश्वर हमें ऐसे लोगों को नहीं देखता है? क्या परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में दंड नहीं देता है, सजा नहीं देता है? हाँ मेरा प्रियो, इस प्रकार के विचारें हमारे जीवन में आती है मेरा प्रियो। लेकिन वचन क्या कहती है? पापियों के विषय, हाँ मैं पापियों के विषय तेरे मन में ढाग ना करना, पापियों के विषय तेरे मन में ढाग ना करना। हाँ मेरा प्रियो, कभी भी हम पापियों के विषय हमें हमारे जीवन में खुड़खुड़ाने वाले नहीं बनना है। हमें हम जिस मार्ग में, हम सीधे मार्ग में हम जब हम चलते हैं उसी में चलते रहे। हमें जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह ऊपर रख गए हैं उस विश्वास में बने रहे, स्थिर रहे। परमेश्वर जरूर हमें हमारे विश्वास को आदर करता है। मेरे प्रियो, 24वां अध्याय जब हम पहला आयत में देखते हैं, नीति वचन 24वां अध्याय उसका पहला आयत में सदा लिखा है, बुरे लोगों के विषय में, बुरे लोगों के विषय में ढाल ना करना। पहले हमने देखे थे पापियों के विषय, और यहां पर देखते हैं बुरे लोगों के विषय, दोनों एक ही हैं। बुरे लोगों के विषय मन में ढाल ना करना, और इस प्रकार लिखा है, और ना उसकी संगति की चाह करना, ना उनकी संगति की चाह ना करना। हाँ मेरा प्रिय, हम कभी भी हमारे जीवन में हमारे सीधे मार्ग से हम भटकने वाले नहीं बनना है। कभी भी हम बुरे लोगों को देखकर हम गुड़गुड़ाने वाले नहीं बनना है। उसी अध्याय हम 19वां पद में जब हम देखते हैं, हमें नीति वचन 24वां अध्याय 19वां पद में इस प्रकार लिखा है, कुकर्मियों के कारण हमें मत कुड़, दुष्ट लोगों के कारण दाग ना करना। कुकर्मियों के विषय, यहां पर तीसरा एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुड़। हम कभी भी हम इस प्रकार के लोगों को देखते समय हम गुड़बड़ाने वाले नहीं बनना है। बुरे लोगों को देखते समय, पापियों को देखते समय, कुकर्मियों को देखते समय, जो शॉर्टकट में आगे बढ़ते हैं, जो शॉर्टकट में कमाई करते हैं, मेरा प्रियो वचन कहती है आमेन, वे सब एक घास के समान हो जाएंगे। एक दिन आएगा तो वे सब घास के समान हो जाएंगे, सूख जाएंगे। लेकिन वचन कहती है हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी। जब यीशु मसीह का आगमन होगा तब हमारे जीवन में वो रिवार्ड जरूर मिलेगा। इस दुनिया में जो हमें दुख हम उठा रहे हैं, इस दुनिया के जीवन में जो हमें तकलीफ उठा रहे हैं, जो समस्याओं को सामना कर रहे हैं, उसका फल, उसका रिवार्ड जरूर स्वर्ग राज्य में हमें मिलेगा। मेरा प्रियो, मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, हमारे विश्वास को कभी भी हम छोड़ने वाले नहीं बनना है। हमारे विश्वास में स्थिर रहे, हमारे विश्वास जीवन में मजबूत रहे। जरूर परमेश्वर आपके जीवन में, जरूर परमेश्वर आपके जीवन में हमें बहुत आयत से आशीष देने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए मेरे प्रियो आगे बात करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे खुदा परमेश्वर, प्रभु आप हमारे विश्वास को आदर करने वाला परमेश्वर, आप हमारे विश्वास को देखता है प्रभु, आप हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम कभी भी इस दुनिया में प्रभु जो कुछ हो रहा है उन बातों को देखकर हम प्रभु निराशा होने वाले ना बने,
प्रभु हमारे जीवन में, प्रभु विश्वास में प्रभु मजबूत होने के लिए सहायता कर। जितने भी लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक भाई के लिए, बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। और जो उनमें से प्रभु जी इन दिनों में दुख उठा रहे हैं, प्रभु तकलीफों के बीच में गुजर रहे हैं, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें आप सहायता कर। प्रभु उनकी आशा टूटने ना दे प्रभु जी, उनकी आशा टूटने ना दे प्रभु जी। प्रभु उनके विश्वास के लिए प्रभु आप जरूर फल देने वाला परमेश्वर है। अंत में आप उनके विश्वास जीवन में फल देने वाला परमेश्वर है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक वक्त के जीवन में प्रभु जी आपका आशीष आपका फल बहुत आय से मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण करिए, आमेन आमेन। हाँ मेरा प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे, आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, अंत में फल होगा। मेरा प्रियो, यदि आज के इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष मिला है, यदि आशीषित हुए, आप नीचे दिया हुआ कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं और आपके दोस्तों को भी इस मैसेज को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम जब भी हम वचन को डालते हैं, प्रचार डालते हैं, तो आपको बराबर मिलते रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।